हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर फाजिल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल क्रेजी गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज जिस एरा में हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, सही मानों में तो उस एरा में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। उसकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट वजह जो है वो है एनवायरमेंटल कंटामिनेशन एंड टॉक्सिसिटी। तो फ्रेंड्स, एनवायरमेंट में इतना कंटामिनेशन है और इतनी टॉक्सिसिटी है कि लगता है सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और ये टॉक्सिसिटी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से है। जगह जगह पर इंडस्ट्रीज खुल रही है और रूरल एरिया अर्बन एरिया में तब्दील हो रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो एक प्रॉब्लम बन जाता है। ग्रीन हाउसेस इफेक्ट्स होता है और हार्मफुल गैसेस हैं, जबकि यूजफुल गैसेस जो है वो एलिमिनेट होती जा रही हैं एनवायरनमेंट से। और फ्रेंड, इन ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है आपके सोप कंपनीज हैं, पेस्टिसाइड कंपनीज हैं, जिनसे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। और ये इतनी हार्मफुल होती हैं फ्रेंड्स कि ये ह्यूमंस में एंड एनिमल्स में कैंसर भी प्रोड्यूस करती हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है कि किस तरह से हम इन गैसेस को कम कर सकते हैं। तो एक होता है कि एक इंडिविजुअल एफर्ट्स भी लगाना पड़ता है और एक सोसाइटियल एफर्ट्स हैं, उनको भी हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं कि कुछ इस तरह के प्लांट हैं जिसको हम अपने घरों में कम से कम इस तरह के प्लांट लगाएं कि वो ये जो ग्लोबलाइजेशन है या इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी है उसमें से पॉल्यूशन को कम कर सके। तो कुछ फ्रेंड कुछ रिकमेंडेड प्लांट हैं जो कि नासा की तरफ से रिकमेंडेड है। तो नासा ने 1993 में कुछ प्लांट की लिस्ट दी थी। ये लिस्ट तो बहुत बड़ी है फ्रेंड। एक इनिशियल स्टडी हुआ था, वो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे वॉल वेरिटन, उन्होंने एक स्टडी किया था 1989 में। फ्रेंड, उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या काम किया कि उनके घर के जितने भी प्लांट थे उन्होंने उसको एक गैसियस चैम्बर से पास किया और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इनमें से कितने प्लांट इस तरह के हैं जो कि इन गैसेस में से हार्मफुल गैसेस को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो फ्रेंड, कुछ प्लांट इस तरह के थे जिन्होंने हार्मफुल गैसेस लाइक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं लाइक टॉलुइन, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन एंड ज़ाइलीन, इस तरह के जो हार्मफुल केमिकल है उनको एब्सॉर्ब करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने एक लिस्ट तैयार की, प्लांट को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर जो लिस्ट है वो मैं आपके साथ कुछ प्लांट है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड, ये लिस्ट काफी लंबी है और इस लिस्ट को और एक्सपेंड किया गया 1993 में, जब नासा ने इन एसोसिएशन विद लैंडस्केप कॉन्ट्रैक्टर ऑफ अमेरिका के साथ एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और उन्होंने कुछ प्लांट को सॉर्ट आउट किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेंड, हमारे पास वो सभी प्लांट तो नहीं है लेकिन उनमें से कुछ 12 प्लांट है जो कि एयर प्योरिफायर है और मैंने अपने घर में रखे हुए हैं। तो मैं वन बाय वन आपसे शेयर करता हूँ वो कौन से प्लांट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला प्लांट है एयर प्यूरिफायर की कैटेगरी में वो है ये एरिका पाम। फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये एरिका पाम जो है काफी अच्छे हाइट का है और 6 फीट के अराउंड इसकी हाइट हो चुकी है और ये मैंने इसको एज अ सेमी इनडोर की तरह ही मैंने इसको ग्रो किया हुआ है। फ्रेंड, अब जो हमारी लिस्ट में दूसरा प्लांट आता है वो है वेरीगेटेड सेंसिवेरिया। फ्रेंड, ये वेरीगेटेड सेंसिवेरिया है और इसको टंग ऑफ द मदर्स इन लॉ भी बोलते हैं। फ्रेंड, ये भी काफी ब्यूटीफुल है, आप इसको ऐसा इंडोर और टेबल टॉप पर आप इसको ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड, अब जो प्लांट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसको स्पाइडर प्लांट बोलते हैं। फ्रेंड, यहां देखिए ये स्पाइडर प्लांट है और इसको हम रिबिन प्लांट के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड, आप इसको इंडोर की तरह और सेमी आउटडोर में किसी भी तरह से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही वर्सेटाइल प्लांट है, आप इसको हैंगिंग में भी लगा सकते हैं और आप इसको पॉट में भी लगा सकते हैं। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट है जो सभी घरों में देखने के लिए मिल जाता है वो है आपका टेबल्स आईवी, जिसको हम मनी प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ये प्लांट तो फ्रेंड सबने देखा ही होगा, ये मनी प्लांट है। फ्रेंड, इसमें भी काफी वेराइटीज आती हैं, काफी कल्टीवर्स होते हैं और मेरे पास फिलहाल 2 कल्टीवर्स हैं। एक तो ये जनरल वाला जो सभी के घर अवेलेबल होता है, एक ये मनी प्लांट है और फ्रेंड ये एक मार्बल मनी प्लांट भी है। ये आप देख सकते हैं ये मार्बल, इसकी लीव्स कुछ मार्बल लाइक होती हैं। अब जो हम बात करते हैं वो एग्लोनीमा,
जिसको चाइनीज एवरग्रीन भी बोलते हैं फ्रेंड, इसमें भी बहुत ज्यादा कल्टीवर्स होते हैं। मेरे पास अभी मेरे घर पर 3 कल्टीवर्स है जिनमें मैं इस वीडियो में सिर्फ एक ही कल्टीवर्स शो कर रहा हूँ, जिसको लिपस्टिक एग्लोनिमा भी बोलते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड इसको रख पाना बहुत ईजी होता है, बस इसके लिए क्या है कि आप इसमें ज्यादा ना पानी मत दीजिए, इन प्लांट को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। ओवर वाटरिंग से क्या होता है, इनमें रूट रॉटिंग हो जाती है, तो इनको ओवर वाटरिंग नहीं करना चाहिए फ्रेंड। अब जो हमारे पास 7th नंबर पर आता है वो है ड्रेसीना, जिसको ये हम इसको ड्रैगन ड्रेसीना के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड। ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल लुकिंग और एयर प्यूरिफायर प्लांट है। और फ्रेंड एलोवेरा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये तो सभी के घर अवेलेबल हो जाता है। ये यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये एलोवेरा है और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एयर प्यूरिफायर प्लांट है फ्रेंड। ये प्लांट मेनली क्या है कि जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एयर से रिमूव करने का काम करते हैं फ्रेंड। ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक लेडी पाम भी है, ये आप देखिए, ये लेडी पाम रहा फ्रेंड्स हमारे पास। और इसको आप फ्रेंड आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं और इनडोर भी ग्रो करें तो इस पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ज्यादा सनलाइट की जरूरत नहीं होती है और बहुत इजी ग्रोइंग है, इजी केयरिंग प्लांट है फ्रेंड। उसके बाद जो है ये रबर प्लांट रहा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग होता है, इसको आप अपने टेबल पर ऐसा टेबल टॉप पर भी यूज कर सकते हैं। और ये फ्रेंड ये थोड़ा कॉस्टली प्लांट है, बट अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो जरूर इंट्रोड्यूस कीजिए, ये अलग ही ब्यूटीफाई करता है आपके गार्डन को फ्रेंड। उसके बाद जो हमारे पास प्लांट आता है वो है डिफेनबेकिया फ्रेंड, ये आमतौर पर सभी घरों में अवेलेबल होता है डिफेनबेकिया, और इसकी काफी वेराइटीज आती हैं। एक थोड़े ब्रॉड लीव्स वाले डिफेनबेकिया आते हैं और ये नैरो लीफ वाला डिफेनबेकिया, तो मेरे पास फिलहाल दो है, लेकिन इस टाइम वीडियो के लिए तो एक ही एग्जाम्पल काफी है, तो मैंने यहाँ डिस्प्ले पर एक ही प्लांट रखा हुआ है। फिर हम बात करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला जीसी प्लांट, जामियोकोलियस जामिकोलकस के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड इसको। और इसके आप लीव्स देखिए फ्रेंड, इसकी जो लीव्स है काफी शाइनी और ग्लॉसी लीव्स होती हैं और काफी बड़ी लीव्स हैं फ्रेंड। इसका प्रोपेगेशन भी बहुत ईजी होता है, इसमें क्या है यहाँ ट्यूबर्स होते हैं, इसको आप ट्यूबर से ग्रो कर सकते हैं। और ट्यूबर के अलावा फ्रेंड क्या है कि ये लीव्स है, इसमें आप लीव से भी इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो दो मेथड है, या तो आप स्टेम कटिंग से यानी कि ट्यूबर डिवीजन से भी ग्रो कर सकते हैं, और लीव्स को पानी में डिप करके रखिए, उससे भी इसमें रूट जो है रूट कैलस बन जाता है, तो रूट से भी वो पूरा प्लांट निकल आता है। इन लास्ट बट नॉट लीस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द फोनिक्स पाम, जो कि डेट पाम फैमिली को बिलोंग करता है। तो ये बेबी प्लांट है लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो फ्रेंड ये वो प्लांट है जो मैंने अपने गार्डन में इंट्रोड्यूस किए हुए हैं ऐसा एयर प्यूरिफायर प्लांट, और यकीन मानिए ये प्लांट साइंटिफिकली अप्रूव्ड प्लांट है, जो कि एयर से पॉल्यूटेंट्स लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, ज़ाइलीन, टॉलुइन, इन सभी कंपाउंड्स को ये रिमूव करने का काम करते हैं। अब जब ये इतना काम करते हैं तो जाहिर सी बात है जो भी एयर इनसे होकर गुजरती है वो प्योरीफाइड एयर होती है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के प्लांट को आप जो है अपने गार्डन में जरूर इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि वो आपके एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग एनवायरनमेंट्स को जो है वो कंटामिनेशन होने से बचाए, और जो भी कंटामिनेशन है, जो भी टॉक्सिकेंट्स हैं, उनको रिमूव करे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको साइंटिफिकली काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि मेरे जो नोटिफिकेशन हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।